वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे द्रिस्टन टी10 के दोस्तों आज के होने वाले मैच नंबर 2 के बारे में। दोस्तों आज का मैच नंबर 2 यूएससीएम और दोस्तों बीआरआई टीम के बीच खेला जाएगा। यह मैच दोस्तों ध्यान रखिएगा दोपहर के 2:45 से स्टार्ट होगा, ठीक ना। इस वीडियो में दोस्तों देखो आपको इस मैच के रिगार्डिंग सबसे पहले प्लेयर स्टैट्स, साथ ही साथ दोस्तों यदि आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो स्मॉल लीग में दोस्तों आपका क्या कम्बिनेशन होना चाहिए, किस 11 प्लेयर को आपको स्मॉल लीग में ट्राई करना है, साथ ही साथ दोस्तों यदि आप इस मैच में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ग्रैंड लीग में तो ग्रैंड लीग में दोस्तों आपका क्या कम्बिनेशन होना चाहिए, ग्रैंड लीग में दोस्तों आप किस प्लेयर पे रिस्क ले सकते हो, रिस्क ले भी रहे हो तो क्यों रिस्क लेना चाहिए, इस मैच में दोस्तों आपका क्या बॉलर पे फोकस होना चाहिए या दोस्तों बैट्समैन पे फोकस होना चाहिए, टोटल इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको इस वीडियो में मिल जाएगा इस मैच के रिगार्डिंग। तो इस मैच में दोस्तों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो में कोई भी ऐसे कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक ना। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों कर लेना, क्योंकि इस मैच के रिगार्डिंग फाइनल कम्बिनेशन, फाइनल दोस्तों प्लेइंग 11 सभी कुछ आपको यहीं पर मैं शेयर करता हूँ, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दे, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजिली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों हम लोग यूसीएम और दोस्तों बीआरआई के मैच में कम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों इस मैच का कम्बिनेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, जहाँ पे दोस्तों आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा आर जोगी का, जो दोस्तों इस मैच के देखो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिन्हें आप सभी कंसीडर टीम में आप कंसीडर कर सकते हो। रीजन बहुत क्लियर है दोस्तों, बंदे ने 3 मैच खेला है, तीनों मैच में परफॉर्मेंस अच्छा है, फर्स्ट रीजन तो ये हो गया। सेकेंड रीजन दोस्तों ओपन बैटिंग कर रहे हैं, जहाँ से दोस्तों आपको और भी एडवांटेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बात करें दोस्तों हम लोग बैटिंग सेक्शन, तो दोस्तों बैटिंग सेक्शन में एच गांधी और जे सिंह, ये दो प्लेयर दोस्तों आपके लिए सभी कम्बिनेशन में इंपॉर्टेंट है, और इस दो में दोस्तों जे सिंह तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज दोस्तों जे सिंह टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करेंगे और आपको 2 ओवर बॉलिंग भी करते हैं। और गांधी का दोस्तों क्या है कि बैटिंग से इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है, बट बॉलिंग दोस्तों आपको सभी मैच में 2-2 ओवर का कर रहे हैं और दोस्तों विकेट ले रहे हैं। तो देखो दोनों टीम, आप जितना भी टीम बना रहे हो स्मॉल लीग में एक टीम या दोस्तों ग्रैंड लीग में एक टीम हो, दोनों को रख के जाना, ठीक ना। अब देखो ऐसे प्लेटफॉर्म पे दोस्तों आप खेलते हो जहाँ पे दोस्तों 3 बैट्समैन रखना होता है, वहाँ पे दोस्तों आप क्या करना, नीचे से के अली और दोस्तों बी गणेशन, ये दोनों में से जिसको आप रखना चाहते हो आँख बंद करके रख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट नहीं देंगे। यदि दोस्तों बाई चांस, मैं कुछ ऑप्शन आपको नीचे से शेयर करता हूँ, यदि उनमें से कोई खेलता है तो 100% उसको आप रख लेना। जैसे आप नीचे आओगे दोस्तों आपको के बॉडी रेड्डी का ऑप्शन मिलेगा, एक मस्ट इम्पॉर्टेंट पिक है दोस्तों, यदि ये खेलता है तो आपके टीम में डेफिनेटली कंसीडर होने चाहिए, एक ऑलराउंडर प्लेयर है दोस्तों, भले ही नाम बैटिंग सेक्शन में है। या दोस्तों एशजान भी खेल जाए तो आपको दोस्तों टॉप ऑर्डर में बैटिंग करनी आएंगे, आप थर्ड ऑप्शन इन्हें भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक ना। तो ये दो प्लेयर का आप ध्यान रखिएगा, यदि दोनों ना खेलते हैं तो जो मैंने ऊपर में ऑप्शन दिया है बस उसको आप रख लीजिएगा। अब बात करें ऑलराउंडर सेक्शन, तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन आर चौधरी सभी टीम में होने चाहिए, कैप्टन बीसी आप ट्राई कर सकते हो, बिकॉज आपको दोस्तों ओपन बैटिंग करने आएंगे, साथ ही साथ दोस्तों आपको 2 ओवर कंप्लीट बॉलिंग करके देंगे, और अभी तक टूर्नामेंट इनका बहुत अच्छा जा रहा है। फिर नीचे दोस्तों आपको आर कोडिसेटी, जो लास्ट मैच इन्होंने खेला था उसमें थोड़ा सा इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे हो गया था, बिकॉज दोस्तों इनके जो टीम है ना, इनके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो परफॉर्म कर नहीं रहे हैं, तो इसके वजह से दोस्तों क्या हुआ है कि आर पोडुसेटी जो इनके टीम के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ये दोस्तों मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आए थे लास्ट मैच में, जिससे टीम का बैलेंस बना रहा है, और साथ ही साथ आपको 2 ओवर कंप्लीट बॉलिंग करके देंगे, ड्रॉप दोस्तों नहीं करना है, ठीक ना, एक मस्ट इंपॉर्टेंट पिक है। फिर नीचे दोस्तों आपको एस गोयल का ऑप्शन मिलेगा, अब दोस्तों देखो एस गोयल अभी तक टूर्नामेंट में बंदे ने ना सिर्फ और बैटिंग किया है, ओपन बैटिंग करने आ रहे हैं, 2 मैच खेले, दोनों मैच में दोस्तों बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन देखो एस गोयल एक बहुत अच्छा बॉलर भी है, एक बहुत अच्छा दोस्तों स्पिन बॉलर है, अभी तक टूर्नामेंट में इन्होंने बॉलिंग नहीं किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आने वाले मैच में ये बॉलिंग बैटिंग दोनों करके देंगे, और दोस्तों जब ये बॉलिंग करने लगेंगे ना तो कैप्टन बीसी के एक बहुत अच्छा ऑप्शन बने
बनेंगे, लेकिन मैं अभी कैप्टन बीसी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक टूर्नामेंट में बॉलिंग किए नहीं है तो फिक्स नहीं है, बट टीम में रख लेना ठीक ना। जीत सिंह दोस्तों 100% टीम में होंगे, दो ओवर आपको बॉलिंग करके देंगे। बैटिंग से मैं बहुत अच्छा उम्मीद नहीं रखता हूँ क्योंकि बैटिंग से इनका जो रिकॉर्ड है एवरेज है ठीक ना, लेकिन बॉलिंग से रिकॉर्ड अच्छा है, दो ओवर बॉलिंग भी कर रहे हैं और अभी तक ओवरऑल टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है। फिर नीचे दोस्तों आपको हिमांशु का ऑप्शन मिलेगा, हिमांशु पे दोस्तों आप चाहो तो ग्रैंड लीग में रिक्स लेना चाहो तो आप ले सकते हो, जब बी आर ई की टीम दोस्तों बॉलिंग सेकेंड करती है ठीक ना। बॉलिंग फर्स्ट में इंपॉर्टेंट है, बॉलिंग सेकेंड में आप इन पे रिक्स ले सकते हो क्योंकि समटाइम दोस्तों हिमांशु का जो ओवर है ना वो काटा जाता है, क्योंकि लास्ट ईयर जब यही टूर्नामेंट हुआ था और उसमें जब हिमांशु प्ले कर रहे थे तो मैंने ये चीज़ देखा था। अभी तो हिमांशु को देखो तो स्टार्टिंग का दोनों मैच में कंप्लीट ओवर मिला है, लेकिन आने वाले मैच में जब दोस्तों ऊपर से एस गोयल बॉलिंग करने लगेगा ना तो ध्यान रखना हिमांशु का ओवर कटने लगेगा, तो ये वाला चीज़ आपको ध्यान रखना है आने वाले मैचों में भी। जब भी एस गोयल बॉलिंग करेगा तो ओवर किसी का कटना होगा तो वो हिमांशु का कटेगा। फिर नीचे दोस्तों आर सिंह का ऑप्शन मिलेगा, आर सिंह को दोस्तों ड्रॉप करना मत ठीक ना। हाँ मुझे मालूम है अभी तक बॉलिंग नहीं की है टूर्नामेंट में, बट दोस्तों ध्यान रखना बॉलिंग आपको करके देंगे, एक बहुत अच्छे प्लेयर है, अभी तक आपको बैटिंग से ही परफॉर्म कर रहे हैं और देखो बैटिंग भी टॉप ऑर्डर में करने आ रहे हैं, तो ड्रॉप करना थोड़ा सा रिक्सी बन रहा है। आप जीएल में चाहो तो रिक्स ले सकते हो, जीएल में आप 100% रिक्स ले लेना, बट स्मॉल लीग में सिलेक्शन हाई है, टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, रिकॉर्ड टी10 में बहुत अच्छा है और एक्सपीरियंस प्लेयर है, ऐसा नहीं कि 10 मैच के लिए, 30 मैच खेल चुके हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। एस थार्ला दोस्तों जीएल में कंसीडर करके जाइएगा ठीक ना। और नीचे से यदि एफ कासिम खेलता है तो 100% आपके टीम में होने चाहिए, ध्यान रखना दोस्तों अभी तक टूर्नामेंट में खेले नहीं है, बस इसी वजह से मैं टीम में नहीं रख रहा हूँ, बट यदि प्ले करते हैं तो 100% लेके जाना, क्योंकि यदि ये खेलेगा तो दोस्तों बॉलिंग भी करेगा दो ओवर और आपको 3 नंबर पर आके बैटिंग बैकअप भी कर लेता है। अब बात करें बॉलिंग सेक्शन, तो दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में मेरे जो फर्स्ट ऑप्शन रहेंगे वो दोस्तों रहेंगे डब्ल्यू विवेक। रीजन बहुत क्लियर है दोस्तों, डेथ में बॉलिंग करने आते हैं, बस इसीलिए मैं इनको बैक कर रहा हूँ ठीक ना। फिर नीचे दोस्तों आपको डब्ल्यू अहमद का ऑप्शन मिलेगा, अहमद दोस्तों आपको दो ओवर कंप्लीट बॉलिंग करके देंगे, अच्छे बॉलर है, वही है पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, तो इसलिए समटाइम दोस्तों आप चाहो तो कुछ कम्बिनेशन में आप इन पर रिक्स ले सकते हो ड्रॉप कर का, क्योंकि देखो सामने जो टीम है ना उनके लिए पावर प्ले में कौन बैटिंग करेगा, तो दोस्तों इधर से करेंगे आर जोगी जो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, और फिर दोस्तों ओपन बैटिंग करने आएंगे आर चौधरी जो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, तो यदि डब्ल्यू अहमद को विकेट नहीं मिलता है तो वो चीज़ आपके लिए गेम चेंजर भी बन सकता है ठीक ना। तो इस टाइप का थोड़ा सा थिंकिंग हम लोग को दोस्तों सोचना पड़ता है यदि सामने वाले से थोड़ा सा बेटर हम लोग को कम्बिनेशन और परफॉर्म करना है तो। फिर नीचे दोस्तों आप चाहो तो डब्ल्यू अहमद की जगह नीचे से बी रेड्डी को ट्राई कर सकते हो, बी रेड्डी के साथ प्लस पॉइंट क्या है कि एक ओवर तो आपको ये पावर प्ले में करेंगे लेकिन एक ओवर दोस्तों ये डेथ में बॉलिंग करने आते हैं और वहाँ पे दोस्तों आपको एडवांटेज दे सकते हैं, तो जिस भी टीम का दोस्तों बॉलिंग फर्स्ट हो आप उसको लेके चले जाइएगा। फिर नीचे दोस्तों आपको वी रवि का ऑप्शन मिलेगा, दो मैच खेले जिसमें एक मैच में तो बॉलिंग करने का चांस मिला दोस्तों, एक मैच में बॉलिंग करने का चांस मिला नहीं, और सेम चीज़ दोस्तों देखो तो नीचे से ए रेड्डी के साथ भी हुआ, इनको भी दोस्तों दो मैच खेले जरूर है बट एक मैच में बॉलिंग का चांस मिला और एक मैच में बॉलिंग का चांस नहीं मिला, तो इसी वजह से ये दोनों प्लेयर को मैं स्मॉल लीग में तो नहीं रख पाऊँगा, क्योंकि देखो टीम में आप रखते हो ठीक ना और सामने वाले ये 100% सी रखिएगा लेके नहीं आने वाला है, और यदि ये परफॉर्म नहीं करता है तो आपका एक प्लेयर तो बर्बाद हो जाएगा ना, और आप समझते हो कि स्मॉल लीग में 11 की 11 प्लेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसी वजह से मैं दोनों को नहीं रखा हूं। आप चाहो स्मॉल लीग में तो दोस्तों नीचे से एस कृष्णा नेटी पे रिक्स ले सकते हो, क्योंकि यदि ये खेलेगा तो आपको एक से दो ओवर बॉलिंग करके जाएगा, सिलेक्शन बहुत ही कम जा रहा है इनका। अब बात करें दोस्तों इस मैच से रिलेटेड कैप्टन बीसी ऑप्शन, तो दोस्तों देखो कैप्टन मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेनली आप क्या करना, जय सिंह एक बढ़िया ऑप्शन है, आर चौधरी एक बढ़िया ऑप्शन है, आर पोडोसेटी एक बढ़िया ऑप्शन है, ये तीन प्लेयर दोस्तों ऐसे जो आपको प्रॉपर टॉप ऑर्डर में बैटिंग साथ ही साथ दो ओवर का आपको बॉलिंग करेंगे, तो ये तीन प्लेयर स्मॉल लीग के लिए बेस्ट है। अब बात करें ग्रैंड लीग में आप लोग क्या करोगे, तो देखो ग्रैंड लीग में एक तो आप ये तीन प्लेयर को भी कंसिडर कर सकते हो, यदि आप बहुत ज़्यादा रिक्स लेना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा रिक्स में देखो तो आप क्या करना आर सिंह पे रिक्स ले सकते हो, आर सिंह एक बढ़िया प्लेयर है दोस्तों, अभी तक बॉलिंग नहीं किए बस वही इनका एक माइनस पॉइंट जा रहा है, नहीं तो दोस्तों आप एस गोयल को ट्राई कर सकते हो। जनता दोस्तों एस गोयल को स्मॉल लीग में ट्राई कर रही है लेकिन मैं स्मॉल लीग में नहीं ट्राई कर पाऊंगा बिकॉज दोस्तों ये बॉलिंग कर नहीं रहे, मान के चलो बैटिंग से फ्लॉप हो जाते हैं
तो फिर वहीं पे आपका काम फिनिश कर जाएंगे। तो इसलिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ऑलराउंडर प्लेयर को कैप्टन बीसी कर रहा हूँ, आर चौधरी कैप्टन और वाइस कैप्टन में आर कुडूडू सेठी को कर रहा हूँ। और अभी के लिए दोस्तों ये टीम मेरा फाइनल टीम है, आप लोग दोस्तों इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रखिए। टॉस के बाद दोस्तों यदि इस टीम में कोई प्लेयर नहीं खेलता है फिर दोस्तों हम लोग चेंजेस करेंगे, और मैं कोई भी अपनी तरफ से चेंजेस करता हूँ तो फाइनल कम्बिनेशन कोशिश करूँगा टेलीग्राम पे शेयर कर देने का। और मैं कोई भी दोस्तों चेंजेस भी करूँगा ना, जो मैंने वीडियो में आपको प्रोवाइड किया है बस उसी पे मेरा मेन फोकस रहेगा। हाँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक ध्यान रखिएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कॉमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा। जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दे, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक ना दोस्तों, फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट T10 के वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय।